Hello everyone, welcome to the class. Today's class is on surts and indices. It is an integral part of simplification. जैसा कि हमने पहले ही इस बारे में बात की थी कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें होती है, चार पांच चीजें होती हैं, उसमें से एक होता है surts and indices. देखिए नाम से ये थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई क्या है surts and indices, right? लेकिन ये चीजें जो है ये आपने बचपन से पढ़ी हैं, स्कूल लेवल पे भी हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं. अब जब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है तो यहाँ पर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है और इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस है क्या, है ना. तो अगर हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात करें तो आप देखिए सर्ट्स जो है ये और कुछ नहीं जो आपने आज तक देखा है बचपन से. ये वाला साइन देखा होगा, ये इस तरह का साइन देखा होगा आपने, है ना. इसको आप कहते हैं सर रूट है, अंडर रूट है ना. यहां पर अगर यहां पे देखिए अगर ये ऐसे का ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर रूट है. क्यों स्क्वायर रूट है? क्योंकि यहां पर टू होता है जो कि साइलेंट होता है, जिसे लिखा नहीं जाता है. ठीक है, तो यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि ये क्या है आपका स्क्वायर रूट है. और अगर यहां पर हमने थ्री लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका क्यूब रूट, क्यूब रूट. ठीक है, और अगर यहां पर फोर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फोर्थ रूट, फोर्थ रूट इसे हम कहते हैं. ठीक है, तो ये जो है इसे हम कहते हैं सर्ट्स. और दूसरी चीज है इंडाइसेस. आपने देखा होगा बचपन से सर आप लिखते हैं टू का पावर टू, है ना. टू का पावर टू मतलब क्या होता है, टू का स्क्वायर. टू का स्क्वायर मतलब क्या होता है, यहां पर जो वैल्यू होती है, यहां पे वैल्यू दो है तो इसे हम कहते हैं बेस. टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर यहां पर ये वैल्यू दो है, इसका मतलब ये जो बेस है ये यहां पर दो बार मल्टीप्लाई होता है, इसे ही आप कहते हैं क्या, टू का स्क्वायर. तो जब ये पावर्स में डिनोट किया जाता है तब ये जो है सिस्टम इसे हम कहते हैं इंडाइसेस. और जब स्क्वायर रूट में जैसे हमने इधर लिखा था तो स्क्वायर रूट का मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूं. देखिए अगर इस तरह से यहां लिखा है, आपने बोला सर x इज इक्वल टू यहां पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ फोर, तो आप कहते हैं सर इसकी वैल्यू क्या होती है, सर इसकी वैल्यू टू होती है. ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है ना, बहुत ही स्मार्ट किस्म के लोग हैं. ठीक ना, देखिए अब होता क्या है, इसका जो बेसिक है वो समझते हैं. ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ फोर, मतलब मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है यहाँ पर टू है, है ना, टू यहाँ पर है. अब देखिए जो वैल्यू यहाँ पर होती है ना, जो वैल्यू यहाँ पर होती है इसका मतलब है ये टाइम्स है, टू टाइम्स, है ना, टू टाइम्स. तो इस रूट, ये जो आपने रूट लिखा है इसके अंदर जो नंबर है इसको आप क्या करते हैं, इसको आप फैक्टराइज करते हैं. तो आप देखते हैं फोर के फैक्टर्स क्या होते हैं, सो सर टू इंटू टू ये आपका होता है फोर. ठीक है, तो यहां हमने ये करना है कि जो भी नंबर यहां पीछे होता है, क्योंकि यहां पर टू था तो इस रूट के अंदर जो भी नंबर दो बार होगा, टू टाइम्स, ये हो गया वन टाइम, ये हो गया टू टाइम्स, है ना. क्योंकि यहां पर टू था तो जो भी नंबर अंदर दो बार होंगे वो नंबर बाहर निकल के आ जाएंगे तो एक ही बार आता है, उसे हम कहते हैं आंसर टू. इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. अगर मैंने यहां पे लिखा क्यूब रूट ऑफ एट तो आप क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, टू है. भाई ये टू आया किधर से, देखिए यहां पे लिखा था क्यूब रूट मतलब ये क्या है, थ्री टाइम्स. तो जो भी नंबर इसके अंदर थ्री टाइम्स होगा वो एक बन के बाहर निकल जाता है. तो एट को अगर आप देखें तो ये क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू. तो आप कहेंगे सर यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, अंदर ये नंबर थ्री टाइम्स है, दो जो है वो तीन बार है, तो ये जब बाहर निकलेगा, ये इस वाले चक्रव्यूह से जब बाहर निकलेगा रूट वाले से, तो जो भी नंबर अंदर तीन बार है वो बाहर निकल के एक बार बनेगा, ये आपका आंसर होता है. ठीक है, ये एक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सर यहां पर अगर स्क्वायर लिखा है टू का स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो दो है बेस है जो हमारा, ये दो बार लिखा जाएगा, है ना. उसी तरह से जब यहाँ पे स्क्वायर रूट था आपका,
तो जो भी अंदर नंबर दो बार होंगे वही एक बार बन के बाहर निकलता है और वही आपका आंसर होता है। तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया था, है ना, रूट और पावर्स का। चलिए आइए देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लॉज, लॉज ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस, है ना। तो ये सारा का सारा जो ये जो पूरा जो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे ना सर्ट्स में और इंडाइसेस में, ये सब कुछ बेस्ड होता है किस पे। तो आप कहेंगे सर ये सारा का सारा इनके लॉज पे चलता है, आपको हमेशा इनके रूल्स फॉलो करने हैं और इनके कुछ लॉज हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको रूल्स याद रखने हैं, लॉज याद रखने हैं और उन्हें ही इंप्लीमेंट करके आपको सवालों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो है ये एक्चुअली इंडाइसेस हैं, पहले हम सर्ट्स के रूल देख लेते हैं। चलिए सर्ट्स के रूल कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये नंबर 9 जो है ना यहां से सर्ट्स के रूल स्टार्ट होते हैं, है ना, यहां से सर्ट्स के रूल स्टार्ट होते हैं। देखिए यहां पे हमने देखा सर्ट्स के रूल स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ था देखिए, जो मैंने आपसे बताया ये है आपका रूट और यहां पे आपको दिया हुआ है एम। ठीक है, ये है रूट और यहां पे दिया हुआ है आपको एम। ये एक सेकंड, ये जो है ना थोड़ा ये आगे तक चला गया है, इसको और कहीं पर कुछ ठीक है। चलो तो आ जाते हैं अब इस पे रूल्स। यहां पर देखिए सबसे पहला रूल है, ये जो आपके रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं बेस। और ये हो गया आपका रूट, रूट ऑफ कौन सा रूट है, तो आप कहेंगे सर एम्थ रूट, है ना, एम रूट, एम रूट, एम्थ रूट ऑफ ए। मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है कि सर एम्थ रूट ऑफ ए, ऐसा लिखा हुआ है, है ना। तो इस चीज को समझिए कि जब आप इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, इस पूरे चीज को जब आप पावर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं बेस। तो बेस को ऐसे कैसे लिख देते हैं ए, अब इसके पावर में, अब जब आप इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये जो पीछे की वैल्यू आती है ना, जो पीछे रूट के पीछे जो वैल्यू आती है, ये इसे जब आप पावर में कन्वर्ट करते हैं तो पावर में कन्वर्ट करने के टाइम पे ये 1/m हो जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहां पर देखिए, a का पावर 1/m। ठीक है, तो ये इसका पहला रूल है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर यहां हमने लिखा कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब मैं कहूंगी आपको इसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे सर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या साइलेंट है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 साइलेंट है, है ना। तो अब आप इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका बेस है, तो बेस को यहाँ पे लिखेंगे 2, और जब पावर में लिखेंगे तो ये जो वैल्यू पीछे होती है ये जब पावर में कन्वर्ट होती है तो 1/ में चली जाती है, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कहने का कि ये है भाई कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, कोई भी नंबर लो, मैं 2 ही नहीं ले रहा हूँ, ठीक, कोई भी नंबर अगर दिया हुआ अंडर रूट ऑफ 5 और अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है 5 का पावर 1/2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। ठीक है, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा, अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 या फिर दिया हुआ है 5 का पावर 1/2, पावर में कभी भी कोई भी आपको अगर 1/ दिखाई देता है इसका मतलब है ये किधर जाएगा, इधर से इसके पीछे आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया कि सर क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसको ये बेस है, इसको आप पावर में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वैल्यू 3, 3, तो ये चली जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो ये दोनों चीजें सेम है, ये आपने याद रखनी है। देखिए इसमें और कुछ है नहीं खास, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, आपने रूल्स याद रखने हैं, लॉज याद रखने हैं, उनको फॉलो करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसके दूसरे रूल पे। देखिए दूसरा रूल भी यही है, सब कुछ है नहीं इसमें अलग,
ना। दूसरा रूल क्या कह रहा है, कहेंगे सर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये ऐसा दिया हुआ है ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है एन, तो जब भी इस तरह से होगा तो आप ये समझिए कि ये जो पीछे दोनों वैल्यूज है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हो जाएगा आपका एम इंटू एन। ठीक है, एक चीज तो ये हो जाएगी। दूसरी, अब यहां से तो यहां पर आ गए, अब कहेंगे सर इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो अभी मैंने आपको सिखाया था पावर में कन्वर्ट करना है, इसका बेस है ए तो उस ए को ऐसे लिखेंगे, और जो भी चीज पीछे है ये क्या होगा वन अपॉन में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एम इंटू। ठीक, तो ये चीजें। इसके बाद के रूल में आते हैं, इसके बाद का रूल क्या कहता है, इसके बाद का रूल कहता है देखिए इंप्लीमेंटेशन है और कुछ नहीं है, यहां मैंने लिखा इस तरह से ए और पीछे था एम और इसके पावर में था एन। ठीक है, देखिए जो पावर में है वो जो पावर में रहता है वो तो ऊपर ही रहता है, ये तो आपको भी पता है ना। हाँ, ये तो दुनिया का सिद्धांत है कि जो पावर में रहता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है ना, और हमारे रूल के हिसाब से जो पीछे है जो इधर पीछे आता है रूट के वो क्या होता है वन अपॉन में आ जाता है। तो आप इसको जब पावर में कन्वर्ट करेंगे तो बेस को लिखा है अपने ए, इसका पावर था एन, तो वो तो ऊपर ही रहेगा, और ये एम जो है ये वन अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन एम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक ही लाइन में आप क्या कह सकते हैं कि सर ये क्या आएगा एन अपॉन एम आएगा ना। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल पे देखेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर यहां लिखा हुआ है थ्री द रूट ऑफ टू इन सब का स्क्वायर है ना, तो इन सब का स्क्वायर है तो भाई देखिए पावर में कौन है, पहले तो बेस टू है ना तो बेस को टू लिख लिया, आप देखते हैं पावर में कौन है, आप कहेंगे सर टू पावर में है तो ये तो ऊपर ही रहेगा और जो पीछे वैल्यू होती है वो वन अपॉन में आती है मतलब टू के नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका टू का पावर 2/3। डन, चलिए अब ये जो था ये तो हमने देख ही लिया है वैसे। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जो क्वेश्चन नंबर 12 था कि जो पीछे चीज होती है वो वन अपॉन में आ जाती है, ये देखिए यहां पर आपको बताया है, और यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी आपको ये सब चीज बताई है, यहां पे बताई है, यहां पे बताई है और यहां पे बताई है, यही आपको कहता है रूल नंबर 12। क्लियर, चलिए। और ये जो है ये एन अपॉन एम जो मैंने अभी आपको समझाया था ये वो है एन अपॉन एम है, ये इस तरह से ए का पावर में है होल ए का पावर एन अपॉन एम। डन, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद और कौन से रूल है भाई इसमें सर्ट्स में और कौन से रूल बचे हैं। हाँ ये देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये रूट ए है और ये रूट ए है, कभी भी अगर इसके पीछे है ना इसके पीछे अगर ये जो ये दोनों जो है देखिए पीछे दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम है पीछे। ठीक है, अब क्या होता है जब इन दोनों सेम मल्टीप्लाई होते हैं ना तो दोनों के रूट्स कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर इधर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ टू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टू तो ये आपस में दोनों क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं तो आपका क्या बचता है जो अंदर ना ये दोनों सेम होना चाहिए बस है ना। हाँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ टू है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ टू है, ये पूरा का पूरा दोनों सेम है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका आंसर कितना बच जाता है, आपका आंसर सिर्फ 2 बच जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर आपको दे दूं, देखिए इस तरह दिया हुआ है कि रूट ऑफ 3 इनटू रूट ऑफ 3 सेम है ना दोनों, हाँ जो जो सेम सर्ट्स जब होंगे सेम बेस के साथ और सेम के साथ तो ये हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और आंसर बचता है सिर्फ। इसी तरह से ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई, ये जो एंटिटी है ये भी सेम है और ये भी सेम है, सेम एंटिटी से जब सेम एंटिटी को डिवाइड करते हैं तो आंसर बनाता है। ठीक, अब यहां देखेंगे तो रूट ए देखिए बेस सबका सेम है ना, अभी इसको ध्यान से देखते रहिए, बेस सबका सेम था ये भी ए था ये भी ए था है ना,
ये देखिए, ये भी ए है, ये भी ए है, सेम है, ये दोनों सेम है क्या? कोई भी दो एंटिटीज जब सेम होंगी, है ना, सेम होंगी तो क्या होता है? जैसे मैंने आपसे बोला कि सर ये दिया हुआ है 2 + 2, दोनों सेम है तो क्या हो जाता है ये? तो आप कहते हैं सर ये 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि दो बार है, तो इसका आंसर आता है कितना? 4, है ना। हाँ, या फिर अगर मैंने ऐसे लिखा सर ए प्लस ए है तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2a हो जाएगा। उसी तरह से जब ये रूट ए प्लस रूट ए जब दोनों चीजें सेम हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 × √a। अच्छा, ये जो मैंने लिखा इससे एक चीज याद आई, बहुत से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये रूट इस तरह से लिखा है √2a, है ना, और ये कहीं इस तरह से लिख दिया है ए, है ना, तो ये दोनों चीजें सेम है क्या? नहीं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। देखिए इस चीज को समझिए, मैंने यहाँ तो 2 लिखा है, आप देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, लिखने लिखने का फर्क है। अगर आपको ऐसा लिखा है 3 ऑफ √a, या फिर आपको इस तरह से लिखा है √a और यहाँ पे 3, है ना, देखिए ये दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें अलग है, बिल्कुल अलग है। ये जब इस साइज में रहेगा, सेम साइज में रहेगा जब ये, तो ये इसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है √a × 3, या फिर 3 × √a, या फिर 3 √a, ये तीनों ही चीजें इसमें लिखी जा सकती है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा टंगा हुआ है ऊपर में, है ना, हाँ, इसका साइज छोटा होगा, ये याद रखिएगा, इसका साइज छोटा है मतलब क्या है? ये आप कहेंगे सर √ a है, ये साइज छोटा है मतलब √ a, और अगर साइज इसका बिल्कुल बराबर है नंबर के साथ तो वो 3 × a, ठीक। चलिए अब यहां पर आप देखें तो √a − √a, अरे सेम एंटिटी से माइनस होगी तो आंसर 0 ना आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे आएंगे, जब आप आगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे बेस बदल चुका है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो जब बेस अलग अलग होंगे और ये रूट दोनों जगह का सेम है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ना, रूट सेम है दोनों का, हाँ, तो वो क्या होगा? दोनों ओवरऑल अंडर रूट में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने लिखा है √2 × √3, √2 × √3, तो क्या करेंगे आप इसको? ये दोनों तो सेम है ना, स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसको हम क्या करते हैं? ओवरऑल स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों को अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3, मतलब ये कितना हो गया? √6, है ना, ये रूल यही है। अच्छा, यहां पर अगर देखिए ये जो चीज है ना, ये आप याद रखना, अलग अलग बेस जो है रूट में ये कभी प्लस या माइनस नहीं होते। मतलब क्या, अगर मैंने इस तरह से लिखा है √3 + √1, आप मत कह देना कि सर ये √3 + 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये दोनों जो है आप दिख रहे हैं, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, ये सॉल्व नहीं होता है, ये CND होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ। इसी तरह से अगर आया है √3 − √1 तो भी ये सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये इतने रूल्स थे सर्ट्स के, ये आपने याद रखने हैं। अब आगे आते हैं, मतलब पीछे चलते हैं हम, क्योंकि हम आगे आ गए थे। इंडाइसेस के रूल देखते हैं, इंडाइसेस के रूल आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम रूल्स हैं, आपने इसको ध्यान देना है बस। पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या कहता है? ये ए बेस है और ये ए बेस है ना, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो क्या होते हैं? एड हो जाते हैं। कब? जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से बता दूं, अगर मैंने लिखा 2 का पावर 3 × 2 का पावर 4, ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, और ये क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का बेस 2 था, तो आप यहाँ लिखेंगे बेस 2, और मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि, तो ये पावर सर ऐड हो जाएंगे, आपने बताया, तो ये हो जाएगा 3 + 4, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2 का पावर 7, ठीक है। जब पावर, जब आपके बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, यही चीज यहां पर बताई थी, ये देखिए ये ऐड हो गया। इसी तरह से अगर जब
बेस सेम हो और ये डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाते हैं, जिसमें लिखा 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 इज इक्वल टू। तो ये दोनों बेस सेम है तो आप ये इसी बेस को यहाँ लिख देंगे, ऊपर का पावर 4 था, नीचे का पावर आपने कहा सर 2 था, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2 का पावर 2, मतलब कितना हो गया आपका आंसर 4। ठीक है, ये दूसरे का एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरी चीज इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। देखिए अगर मैंने यहां लिखा 2 का स्क्वायर इसका ओवरऑल का क्यूब, है ना, हाँ, तो इसमें क्या होगा हमेशा पावर का, देखिए ये बेस है आपका, बेस का पावर है 2 और इस पूरे का होल पावर क्या है, तो आप कहेंगे सर 3, है ना, तो पावर का पावर हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे बेस ऐसे लिखा जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 का पावर 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये तीन रूल जो हैं, ये तीन मेन रूल्स हैं, इनके मेन लॉज है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, इनको आपने याद रखना है। और इसके बाद एक रूल आता है, वो ये है कि अगर ये वाला रूल जो है ना, ये वाला रूल अगर पावर में कभी भी निगेटिव दिखे, पावर में कभी भी निगेटिव दिखे तो वो 1/1 हो जाता है, है ना, 1/1 हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा है सर ए का पावर -1, ठीक है, -1 नहीं लेते हैं अभी, वो आगे क्वेश्चन में आएगा, चलो ऐसे लिखते हैं, ए का पावर दिया सर -2। कभी भी अगर पावर आपको माइनस में दिखे ना, तो याद रखिए ये पूरी की पूरी एंटिटी जो है 1/1 में चली जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा 2 का पावर -2, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2, मतलब ये कितना हो गया 1/4। अब ये जो है ये उसका इंप्लीमेंटेशन है, कैसे इंप्लीमेंटेशन, आप कहेंगे सर ये कैसे इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऐसे है कि अभी ये दो बेस हैं, अलग अलग बेस हैं, है ना, मैं नंबर्स लेता हूं, यहाँ पे रूल लिखे हुए, मैं आपको नंबर्स लेता हूँ, ठीक है, नंबर्स लेता हूँ, a/b, मैंने लिखा 2/3 का पावर यहाँ पे -x है ना, तो आपने कहा कि सर -x होता है, पावर जब भी माइनस में होता है तो ये पूरा का पूरा जो आपका जो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया है या कुछ भी दिया है अंदर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/1 हो जाएगा, है ना, तो आपने इसको मैं आपको डिटेल में 1/1 कर दिया, तो 1/1 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2/3 इसका पावर कितना हो गया, एक्स हो गया ना, इसका पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो भाई ये जब ये x हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/2 का पावर x / 3 का पावर x हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है ये 2/3 दोनों के पावर में है ना। फिर यहां से जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 3x ऊपर चल जाएगा, 2x 2 का पावर x नीचे आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि पावर सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर x। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ पर हमने सर सीधा सीधा ये देखा, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या देखा कि सर अगर ये आपको ऐसा दिख रहा है 2/3 का पावर -x है तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख दूंगा 3/2 का पावर + x, ये मेरा। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि सर बेस सेम था, पावर में अलग था, अभी हमने देखा कि सर बेस अलग है पावर सेम है, इसी से मिलता हुआ एक और इसका लॉ है वो ये है, जैसे मैंने लिखा है 2 का पावर 3 × 3 है ना, तो दो ही चीजें हो सकती है इसमें, क्या या तो आपका बेस सेम होगा या आपका पावर सेम होगा, यहाँ पे पावर सेम है, जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं, जब पावर सेम होते हैं तो हम बेस के साथ सेम चीज करते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर बेस सेम है, अगर बेस सेम है सॉरी यहाँ पे पावर सेम है, है ना, तो पावर सेम है तो ये ओवरऑल पावर यही रहेगा, जो पावर है वो हो जाएगा 3 और नीचे ये जो दोनों मल्टीप्लाई में थे ये ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 6 का पावर।
क्लियर है, ये लॉज आपने याद करने ही पड़ेंगे, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन, ये जो सेवेंथ है, ये मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि सर अगर लिखा हुआ है 2^3 m है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2^m है और नीचे भी क्या है 3^m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज, ठीक है। अब सबसे मुद्दे की बात जो आती है ना, वो क्या है पता है, ये देखिए, ये सबसे मुद्दे की बात है कि इससे ही हमारा सारा, जितने भी हमारे सवाल होंगे ना, उनके जवाब इससे ही निकलने वाले हैं। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर अगर 1^m है और उसके इक्वल टू में 1^n है ना। अब आप देख रहे होंगे तो आप कहेंगे सर ये दोनों क्या है, बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होगा और आमने सामने दोनों है इक्वल टू में, तो क्या होगा, m विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। यही यहां पर आपको सारे सवाल सॉल्व करके देने वाला है, ठीक है ना। अब इसका आप कहें सर मैं इसका एग्जांपल बता दूं, मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, मैंने यहां पर अगर लिखा 2^3 और इधर लिखा 2^?, तो आपने पूछा सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि भाई मैंने देखा यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं और इक्वल टू है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 हो जाएगी, डन। चलिए अब सर्च एंड इंडाइसेस में लॉज के अलावा जो दूसरी चीज है जो हमें करनी ही करनी है, वो क्या है, वो है पावर गेम। पावर गेम जिसे हम कहते हैं, पावर गेम क्या है, देखिए दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किससे चलती है, आप कहेंगे सर पावर से चलती है ना, तो पावर होना तो बहुत जरूरी है, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल पावर, राइट। पावर अलग चीज होती है, उसी तरह से सर्च एंड इंडाइसेस में भी पावर गेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहां देखें, आपको ये सारी वैल्यूज जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि आपको ये क्यों काम आने वाली है और क्यों आपने ये याद करनी है। देखिए 2^2 जो है, 2^2 ये हमने सबने देखा है शुरू से, है ना, 2^2 क्या होता है ये हमने देखा सर, ये 2^2 है, 2^2 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। इसका मतलब अगर कहीं पर 4 लिखा है तो और मुझे उसको 2 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 4 को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर इसको मैं 2^2 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसी की तो वैल्यू है ना, 2^2 है उसी की वैल्यू 4 है। इसी तरह से अगर कहीं पे 16 लिखा है तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर 16 को आप लिख सकते हैं 2^4, ठीक है। इंडाइसेस में हर जगह आपने यही करना है, दो ही चीजें करनी होती है, पहली चीज है या तो आपका बेस सेम होना चाहिए या फिर आपका पावर सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होगा तो आप पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं और जब पावर सेम होगा तो आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए आपको ये जो पूरा टेबल है पावर का, ये आपको याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। आपको ये इनमें से कोई भी वैल्यू दिखाई देती है तो आपको वो तुरंत याद आना चाहिए कि ये कौन से बेस में कन्वर्ट हो सकता है, है ना। जैसे अगर मैंने कहा 25, तो आप कहेंगे सर 25 तो 5 के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है। अगर मैंने कहा 512 अगर मैंने कहा, तो आप कहेंगे सर 512 8 के बेस में कन्वर्ट हो सकता है, 512 जो है 8 के बेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं पूछूंगा ये 4 के बेस में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या, आप कहेंगे सर 4 के बेस में तो नहीं दिख रहा है, ये 4 के बेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो उससे नीचे जाएंगे 2 के बेस में कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे यस सर 2 के बेस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 512 इज इक्वल टू 2^9। क्लियर, हर बार आपने यही चीज करनी है, जो भी नंबर आएगा उसको एक रिस्पेक्टिव जो भी वहां पर आपके क्वेश्चंस में दिए हैं उसी बेस में कन्वर्ट करना है। इसलिए आपको ये पावर गेम याद होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था
कि पांच चीजें आपने बहुत अच्छे से करनी है, उसमें से एक थी ये पावर गेम। मैंने आपको क्या क्या बताया था सर? टेबल्स याद करने हैं आपने, स्क्वायर्स करने हैं, क्यूब करने हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन करना है, और पावर्स भी याद करने हैं। पावर्स अप टू 5, 3 से लेके 9 तक, और 2 के पावर्स अप टू 10। ये देखिए 2 के पावर्स अप टू 10, ठीक है। सो 2 के पावर्स अप टू 10 याद करने हैं, 3 से लेके 9 तक जो है आपको अप टू 5 आपने याद किया तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे बड़े पावर्स के जो नंबर्स होते हैं वो आपको नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स को ऐसा नहीं देखना है कि आपको बहुत बड़े बड़े चीजें याद है कि नहीं, एग्जाम को देखना है कि आप कितने स्मार्ट हैं। क्लियर? चलिए, तो ये आपने याद करना है। ये क्यों याद करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चलिए एक आपको चीज बताते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन यहीं पे बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए, यहां पर अगर मैंने आपसे कहा कि सर 2 का पावर, चलिए ब्लैक ले लेते हैं, अब यार क्या जरूरत है, 2 का पावर दिया हुआ है 2, और क्वेश्चन में इधर आगे दिया हुआ है 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, तो आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है। आप कहेंगे सर बेस सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। दिस इज अ सिंपल थिंग। अगर मैंने बोला 2 का पावर 7 है, इधर दिया है 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, तो आप कहेंगे सर ये बेस सेम है तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे 7 हो गया, ठीक है। अब जब आपको बेस सेम करना होता है, बेस कैसे सेम करते हैं, है ना, ये चीज को समझिए। यहां पे दिया हुआ है 4, इसके इक्वल में दिया हुआ है 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सोल ऑब्जेक्टिव हर बार यही होता है, क्या होता है कि सर हमको पूछा क्या है, कौन से बेस में पूछा है, तो आप कहेंगे सर हमको 2 के बेस में पूछा है, ये 2 के बेस में कितना पावर आ रहा है ये पूछा है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इस साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दी है इसको हमें 2 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो 4 को अगर आप 2 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 4 का होता है क्या 2 का स्क्वायर, तो आप 4 को लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर, और इधर आपका दिया हुआ था 2 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे कि दोनों बेस सेम हो गए, और जब बेस सेम होते हैं गुरु तो क्या होता है, पावर ये इक्वेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना निकल गया, आप कहेंगे सर 2 निकल गया, एकदम जबरदस्त, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 81 दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है आपका 27 का पावर पूछा हुआ है आपसे। अब आप बताइए 27 के पावर में पूछा है आपको, 27 के बेस में पूछा है आपको, क्या ये नंबर 27 के बेस में आ सकता है? 27 का बेस मतलब क्या, 27 का पावर 1 या 27 का पावर 2, है ना। तो आप कहेंगे सर 27 के पावर में तो ये 81 आता ही नहीं है, 1 होता है 27, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 729 होता है, तो 81 तो आता ही नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके नीचे जाना पड़ेगा, 27 के नीचे क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 केस में ना 3927 ये होता है ना, हाँ, तो 27 किसके बेस में आ सकता है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं 27 किसके बेस में आ सकता है। तो आप कहेंगे सर 27 जो है ना ये 3 के बेस में आ सकता है, 3 का पावर 3, और 81 जो है ये 81 भी 3 के बेस में आ सकता है 3 का पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 3 के बेस में लाएं, दोनों को 3 के बेस में क्यों लाएं, क्योंकि 3 सेम है, अरे हमारा काम ही यही है, एक ही बेस में लाना हमारा काम है ना। तो 81 को आपने 3 के बेस में लिखा तो ये हो गया 3 का पावर 4, और इसको आपने लिखा तो ये क्या हो गया, आपने कहा 3 का पावर 3, इसका होल पावर था क्वेश्चन मार्क। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इसका पावर था क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में जो लॉ बताया था उसमें क्या बताया था कि सर पावर का पावर क्या होता है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर, इसको आप मान लो x,
तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इधर से सर 3 का पावर 4, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका क्या हुआ, बेस इक्वल हो गया। अब जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है भाई, बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वेट हो जाते हैं। इक्वेट हो मतलब क्या होता है, इक्वेट का सीधा सा मतलब है कि 3x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4। तो भाई ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में साइड में जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4/3, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये चीज, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए, है ना। यहाँ पे मैंने आपसे कहा 8 और यहाँ पे मैंने आपसे कहा 4 का पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क जो रहेगा आप उसको हमेशा हमेशा क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, आप कहेंगे सर 4 का पावर एक्स दिया है और इधर पे 8 दिया हुआ है। तो भाई इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बेस सेम करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 4 और 8 जो है ये दोनों किसके बेस में आते हैं, आप कहेंगे 2 के बेस में आते हैं। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और इसका पावर था एक्स, और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर 2 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 का पावर हो गया सर 2x और इधर हो गया 2 का पावर 3। अब देखिए ये बेस सेम हो गया है, अब ये बेस जो है ये सेम हो गया है तो पावर क्या होंगे, आप कहेंगे सर पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये 3/2 हो जाएगी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। डन। इसी तरह से जो मैथमेटिकल कन्वर्जन्स है ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको एक क्विक आपको मैं कन्वर्जन बताता हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये वैसे तो आप लोग को पता होगा बट जस्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर जो भी चीजें इधर लेफ्ट साइड में, इधर देखिए ये तो वेरिएबल है इसकी तो वैल्यू निकालनी है, इसके अलावा क्या है, आप कहेंगे सर ये है और ये प्लस 2 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये प्लस 2 है, तो ये इधर से कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड में, तो उधर जाएगी तो उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाता है सर एक्स इज इक्वल टू 4-2। तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये पहला कन्वर्जन है। दूसरा कन्वर्जन क्या कहता है, दूसरा कन्वर्जन कहता है कि सर अगर x -2 इज इक्वल टू 4 है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर ये -2 है तो इधर जाके क्या होगा, +2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4+2, इसका मतलब हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 6 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तीसरा कन्वर्जन है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 6, तो जो यहाँ पर देखिए इधर से जब उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है ना, यहाँ माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, यहाँ प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, आंसर कितना हो गया 3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 3 आ गई, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फटाफट कन्वर्जन जो है आप ये समझ लीजिए। फोर्थ, अगर आपको दिया है x/2 इज इक्वल टू 6, भाई वहां तो मल्टीप्लाई था, यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पे डिवाइड था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड था तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 12 आ गई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा कन्वर्जन क्या है, अगर मैंने लिख दिया 2x-4 इज इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा रूल है वो याद रखेंगे, जिसके साथ भी वेरिएबल होता है ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसका आपने आंसर निकालना है, जिसके साथ वेरिएबल होगा वो हमेशा लास्ट में सॉल्व होगा, उससे पहले बाकी सारे तिकड़म आपने करने हैं। तिकड़म मतलब क्या है कि सर यहाँ पे ये -4 था, पहले इसको मैं इधर से इधर भेजूंगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये इधर जाके माइनस था इधर तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4+4 8 हो गया, 2x इज इक्वल टू 8 है।
सर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 / 2 ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। क्लियर? इसके बाद क्या करना, देखिए इसका ही कन्वर्जन, अगर मैंने लिखा x बाई 2 + 4 इज इक्वल टू, यहां लिख दिया 7, अब क्या करेंगे? तो सर आपने अभी बस सिखाया था कि जिसके साथ वेरिएबल होता है ये लास्ट में सॉल्व होता है, पहले क्या करेंगे, इधर प्लस था उधर भेज के माइनस करेंगे, इसको इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ये हो गया 3, एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2, मतलब आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे सर एक्स का आंसर 6 आ गया। सो दीज ऑल आर योर मैथमेटिकल कन्वर्जन जो आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, 2 का पावर 4, इधर भी दिया है 2 का पावर 7, इधर दिया हुआ है 2 का पावर 5, और इधर आपसे पूछा क्या है 2 का पावर ? है ना, मतलब अगर मैं इसे दूसरे इसमें लिखूं तो ये क्या दिया हुआ है, 2 का पावर x लिखा हुआ है और आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है ना, तो आपका बेस है 2 और इधर भी सब जगह क्या है आपका बेस 2 ही है, तो ये सवाल बहुत आसान है ना, क्योंकि बेस सारे के सारे सेम है। अब सेम है तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप हमको ना सिर्फ वो जो लॉज आपने सिखाए थे ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस, सिर्फ वही अप्लाई कर रहे थे, और लॉज ऑफ इंडाइसेस में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सर बेस तो सारे सेम है, तो जहां पे मल्टीप्लाई होता है वहां पे क्या होता है, पावर एड हो जाता है, और जहां पे डिवाइड होता है वहां पे पावर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं एक लाइन में लिखूं, आपने हमेशा एक लाइन में करना है ग्रुप, है ना, तो इसको एक लाइन में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 4 × 2 का पावर 7 था डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 है, और इधर निकालना है आपको 2 का पावर x, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पावर तो अपने बेस तो सेम है, तो जहां मल्टीप्लाई है ना वहां पे प्लस कर दो, जहां पे डिवाइड है वहां पे माइनस कर दो, तो इसको एक लाइन में लिखेंगे तो सारे बेस सेम है, देखो ये और ये बेस सेम है, इसको एक बार में ऐसे लिखते हैं 2 का होल पावर, पहले लिखा 4 उसके बाद मल्टीप्लाई था तो कर दिया प्लस, 7 उसके बाद डिवाइड था तो कर दिया माइनस, 5 इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब आप ये कर सकते हैं 7 में से 5 गया तो बचा 2, 2 और 4 6, तो 2 का पावर 6, और इधर था 2 का पावर x। अब इसके बाद तो हम बहुत समझदार हैं कि सर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, इक्वेट होंगे या इक्वल होंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 6 आ गई, और क्या चाहिए भाई, है कि नहीं, ये जो x की वैल्यू 6 आई है ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहां दिया हुआ है, देखिए सेम है ना, सभी सेम है, देखो ये इधर पे 3, इधर पे 3, इधर पे 3, और इधर जो पूछा है उसका बेस भी क्या है, 3 है, तो ज्यादा अभी तक टेंशन वाली बात आई नहीं है, है ना। हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि आपको सेम बेस में कन्वर्ट करना है, वहां तक अभी तक बात पहुंची नहीं है, पहुंचेगी धीरे से, है ना। तो सर बेस सबके सेम है तो क्या करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा 3 एक लाइन में, जहां जहां पे मल्टीप्लाई था वहां प्लस, जहां डिवाइड था वहां पे माइनस कर देंगे, तो 3 का पावर 5 था तो ये 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई की वजह से प्लस लिख दिया, उसके बाद 2 था, उसके बाद डिवाइड की वजह से माइनस लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पावर, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब क्या है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 तो है ही ना भाई, अरे ऐसा लिखा हुआ है 3, तो 3 का पावर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं लिखा है इसका पावर क्या है, 1 तो है ही, तो ये माइनस करेंगे 1। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है, अरे भाई अगर इसका पावर 0 होगा ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वन हो जाएगी। दुनिया के किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 9999 का पावर जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू वन एंड टू का पावर जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू वन। कोई भी नंबर का पावर में जीरो रहता है ना, उसकी वैल्यू वन होती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो भाई जीरो नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, वन होगा। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या है, थ्री का पावर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को हम क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम एक्स लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 2 = 7, 7 - 1 = 6, तो ये हो गया 3 का पावर 6, इधर हो गया 3 का पावर x। सर आपने बताया, क्या बताया आपने बताया, बेस सेम है तो पावर इक्वेट होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर x की वैल्यू 6 आ गई और काम आपका खत्म हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए अब यहां से जो है असली दंगल शुरू होता है ना, दंगल शुरू होता है यहां से, असली क्या दंगल शुरू होता है कि सर यहां पर अब इतना आसान नहीं रह गया सब कुछ। पूछ लिया है कि इसमें 3 के बेस में, आपको पूछा है क्या 3 का पावर ? मतलब x, ये आपसे पूछा है, और इधर जितनी वैल्यूज दी है सर वो तो कोई भी 3 के बेस में नहीं है। अरे भाई जिस बेस में आपको पूछा जाएगा ना उसी बेस में आपको हर नंबर को कन्वर्ट करके लाना है। देखिए जैसे हम मैं ये नंबर्स लिखता हूँ, ये फॉन्ट थोड़े से छोटे हो गए, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आपको लिखता हूँ, 81 लिखा हुआ है, उसके पीछे डिवाइड था, उसके पीछे 27 लिखा था, उसके पीछे मल्टीप्लाइड बाई 9 है, उसके पीछे मल्टीप्लाइड बाई 243 है ना। अब आप इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये सारे नंबर्स ऐसे हैं। भाई ये जो क्वेश्चन आएगा ना सर्च एंड एनालिसिस का, इसमें ये जो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा बहुत ही रेयर मतलब नहीं के बराबर होगा कि आपको पूछा है 3 के बेस में और इधर कोई ऐसा नंबर दे देगा जो 3 के बेस में नहीं आता हो, ऐसा नहीं होता है ना, बहुत रेयर, बहुत ही मतलब वो SSC के क्वेश्चन होते हैं सर्च एंड एनालिसिस के, उसमें आते हैं, बट हमारे बैंकिंग के जो सर्च एनालिसिस क्वेश्चंस हैं जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आप देखेंगे तो वैसा सवाल अभी तक आया नहीं है, है ना। उसको भी सॉल्व किया जाता है बट उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। चलिए तो यहाँ पर अगर आपको 3 के बेस में दिया है ना तो ये सारे नंबर्स आपके ऐसे होंगे जो 3 के बेस में कन्वर्टेबल होंगे। अब आपको जो मैंने पावर गेम सिखाया था वो इसीलिए इसी दिन के लिए सिखाया था, यही वो दिन है ना। देखिए 243, अब आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, 243 याद करना पड़ेगा, ये होता है 3 का पावर 5, तो 243 को मैं लिख सकता हूं सर 3 का पावर 5 इनटू है 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया 3 का पावर 2, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई था 27, 27 क्या होता है, 27 सर 3 का क्यूब होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 का पावर 3, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद 81 है, 81 को मैं क्या लिख, ये सब याद करना पड़ेगा गुरु, है ना, बिना याद किए ना नैया पार नहीं होगी, ये पक्की बात है ना, तो ये तो याद करना ही होगा आपने। चलिए तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 4 और इधर क्वेश्चन में पूछा था 3 का पावर x। अब मैं देखूंगा तो मेरी राह जो है ना काफी आसान हो गई है, क्यों, क्योंकि हर बार मुझे यही करना है सर, जिस बेस में पूछा है उसी बेस में सबको लाना था और वो मैं लेके आ गया, मेरा 70-80% काम खत्म हो गया। अब जो बचा है वो क्या है, अरे बहुत आसान काम बचा है, क्या बचा है? सर आपने बताया था बेस सारे के सारे सेम है, जहां मल्टीप्लाई होता है वहां पे पावर ऐड होता है, जहां डिवाइड होता है वहां पे पावर माइनस होता है, तो मैं इसको एक लाइन में लिखूंगा सर 3 का होल पावर, इधर 5 था उसके बाद मल्टीप्लाई था तो प्लस 2, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई था तो फिर प्लस 3, उसके बाद डिवाइड था तो -4 इज इक्वल टू 3 का पावर x। इसको सॉल्व करूंगा मैं कितना होगा, आप कहेंगे सर देखिए ये 5 2 7, 7 3 10, 10 में से 4 गया बचा 6, ये हो गया 3 का पावर 6 और इधर हो गया 3 का पावर x, बेस सेम है तो पावर इधर से वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 6 आ गया
और मेरा काम जो है वो संभला, ठीक है ना। यस, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हर जगह आपने इतना ही करना है और उससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपने एक बार 10 15 20 क्वेश्चन कर लिए ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। चीजें हार्ड होती नहीं है, हम बनाते हैं उसको, राइट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहां पर आपसे पूछा है 2 के बेस में, लेकिन इधर कोई भी नंबर जो है वो 2 के बेस में नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? आप कहेंगे सर सबसे पहला काम ये कि सबको 2 के बेस में लाओ। उसको 2 के बेस में लाते हैं, 8 क्या होता है 2 का? आप कहेंगे सर क्यूब इनटू है। 32 क्या होता है? आप कहेंगे सर 2 का पावर 5 होता है, ठीक है। 64 क्या होता है? देखो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये होता है आपका 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 512 क्या होता है? 512 होता है 2 का पावर ये 6 होता है, सॉरी ये क्योंकि ये 9 होता है, ये कैसे 8 हो जाएगा। हाँ ये होता है 2 का पावर 6, ठीक है। 2 2 4 होता है, फिर 4 होता है, 4 4 16 होता है, 16 4 64 होता है, तो ये 2 का पावर 6 हो जाएगा। देखिए आप कॉमन सेंस से भी इसको याद रख सकते हैं। और 512 क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है 2 का पावर 9, और इधर हो गया 2 का पावर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये x, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी चीज है कि सर ये सारे बेस सेम हो गए तो मैं इसको लिख दूंगा 2, जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस करूंगा, जहां डिवाइड है वहां माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 9, और इधर था 2 का पावर x, ठीक है। अब इसको कर लेंगे फटाफट, ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये देखिए 6 5 11 11 3 14 14 में से 9 गया तो बचा 5, तो 2 का पावर 5, इधर था 2 का पावर x, बेस सेम है, x की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 5 हो गई, तो x इज इक्वल टू 5 इज आवर राइट आंसर। क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, 4096। अभी ये आपने याद करना ही होगा, याद किए बिना कुछ होगा नहीं। देखो कौन से पावर में पूछा है आपको, तो आप कहेंगे सर हमको पूछा है 8 के पावर में, है ना, 8 के पावर में पूछा है, और यहां पर 8 के पावर में एक वैल्यू दी है, एक नहीं दी है, और एक 4096 है, ठीक है, 4096 है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप इसको 8 के पावर में भी ला सकते हैं, ठीक है, आप इसको 8 के पावर में भी ला सकते हैं, या फिर आप इसको 2 के पावर के साथ भी लेके खेल सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये बहुत आसान चीज हो जाएगी, क्योंकि 8 का पावर 4 जो है ना वो होता है 4096, और 512 की अगर बात करें तो ये होता है 8 का क्यूब, तो ये हो जाएगा सर 8 का पावर 4 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 8 का क्यूब इज इक्वल टू 8 का पावर कितना है x। यहां से आपको क्लियर दिख ही रहा है। देखिए थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने गवर्नमेंट एग्जाम निकालनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालनी है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर 3 है, यहाँ पे 3 है, आपने बताया था जहां डिवाइड होता है वहां पावर माइनस होते हैं, तो ये तो प्लस 3 माइनस 3 जीरो हो गया, बचेगा क्या सिर्फ 4, तो 8 का पावर 4, इधर बचा था 8 का पावर x, क्योंकि मेरा बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 4 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर, डन। चलिए आगे आते हैं 6561। देखिए ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं बनेगा ये, हाँ ठीक है। देखिए 9 के बेस में पूछा हुआ है, 9 के बेस में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे जितनी भी वैल्यूज दी है ये 9 के बेस में आ सकती है क्या। 729 क्या होता है? आप कहेंगे सर 729 तो 9 का क्यूब है, और इधर 9 दिया हुआ है तो ये तो 9 के बेस में है, 9 का पावर 1 है। 81 क्या होता है? आप कहेंगे सर ये 9 का स्क्वायर होता है, और 6561 क्या होता है?
एक्चुअली आप जब याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों 81 का स्क्वायर होता है। तो ये होता है 9 का पावर 4, ठीक है, 9 का पावर 4। अब इसको फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे 9 में, ये हो जाएगा 9 का पावर 4 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 का पावर कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, 1 है। आप इसको लिख ही लो, है ना, तो आगे क्या है, आप इसको इग्नोर कर दोगे तो पूरा आंसर जो है वो भट्टा बैठ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 9 का पावर 3, इधर हो गया 9 का पावर x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे बेस सेम हैं, तो जहां मल्टीप्लाई होगा वहां प्लस लगाएंगे, 4 + 2 + 1 - 3 = 9 का पावर x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 + 1 3 है, -3 ये 0 हो गया, कट गए, कैंसिल हो गया, बचा 4। तो 9 का पावर 4 = 9 का पावर x, बेस सेम है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट होंगे, ये तो सिखा रहे हैं आप इतने देर से, और क्या सिखा रहे हैं, इसलिए x का पावर क्या हो जाएगा, x का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 6 पूछ रहा है भाई, अभी देखो अब ये 6 पूछ रहा है, क्या पूछा है, 6 पूछा है, तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 6 के बेस में होंगे ही होंगे, सवाल ही नहीं है कि नहीं हो, है ना, हाँ ये होने वाला ही है, क्लियर है, यस। देखिए ये हो गया आपका 6 का पावर x, 1296 क्या होता है, ये होता है 6 का पावर 4। देखिए ये आपको याद करना होगा, इस चीज को बार बार मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आपको छोड़ना नहीं। ये तो दिया ही हुआ है 6 का पावर 3, हर बार जरूरी नहीं कि आपको कन्वर्ट करना पड़े, कुछ कुछ दिया भी रहेगा ना, कभी दया आ गई एग्जामिनर को तो बोलेगा चलो एक आध वैल्यू दे ही देते हैं बेचारे को, कन्वर्ट ना करना पड़े, है ना। हाँ किसी दिन बीवी से झगड़ा हुआ तो सारे पावर दे देगा, 5 6 तक, एनीथिंग इज पॉसिबल ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, दिमाग खराब रहता है तो कुछ भी हो जाता है, नहीं दिमाग अच्छा है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए तो ये 6 का पावर 3 दिया हुआ था, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, उसके पीछे 216, 216 आप कहेंगे सर 6 का क्यूब होता है, और इसको मैंने सॉल्व करना है तो फटाफट क्या हो जाएगा, ये मैंने 6 लिख लिया, जहां मल्टीप्लाई था वहां प्लस करूंगा, जहां डिवाइड है वहां माइनस करूंगा, तो ऊपर हो गया 3 + 2 + 3 - 4 = 6 का पावर x। अब क्या करें, अब क्या करना है, तो हो ही गया सारा सवाल, देखो 3 2 5 3 8 8 में से 4 गया बचा 4 = 6 का पावर x, बेस सेम है, x की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 4 हो गई, x की वैल्यू 4, x = 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये आपका सही आंसर है। चलिए आ जाते हैं किधर, इधर 4 पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखो 4 के बेस में पूछा है ना, 4 के बेस में पूछा है 4 का पावर x, x की वैल्यू निकालनी है, पीछे क्या क्या दिया है, सर 4 का पावर 5 तो दिया हुआ है दया एग्जामिनर को, 64 क्या होता है, कहेंगे सर 64 4 का क्यूब होता है ना, उसके पीछे था मल्टीप्लाई, 256 क्या होता है, आप कहेंगे सर ये 16 का स्क्वायर है, मतलब 4 का पावर 4 हो गया ना। हाँ चलो ये तो आसानी था, वैसे कुछ नहीं था इसमें, 4 का पावर आप निकालेंगे तो 4 + 3 - 5 = 4 का पावर x हो गया, 4 7 में से 5 गया बचा 2, 4 का स्क्वायर = 4 का पावर x, बेस सेम है, सेम हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 x = 2, 2 नंबर ही है x, आंसर आ गया हमारा 1 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, आज के जो ये लास्ट के 2 सवाल है ना, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है 9 के बेस में, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए 9 का पावर x, 9 के बेस में पूछा हुआ है, उसके पीछे दिया हुआ था 81, उसके पीछे डिवाइड था, उसके पीछे दिया था 27, उसके पीछे दिया था 243। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में समझाया था, वही मैं फिर से समझाता हूँ आपको,
अब यहां आपको पूछा है किसके बेस में, नौ के बेस में। तो इधर जो नंबर्स दिए हैं ये नौ के बेस में आ सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर 81 तो 9 का स्क्वायर है, ये आ रहा है, लेकिन 27 तो पॉसिबल ही नहीं है, और 243 भी नहीं आता है 9 के बेस में। जब 9 के बेस में नहीं आता है तो आपको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। 9 के नीचे क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 होता है ना। अब देखिए 3 के बेस में सब आता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर ये भी 3 के बेस में आ रहा है। ये 3 का क्या है? पावर 4 है, ये 3 का पावर 3 है, ये 3 का पावर 5 है, ये तीनों 3 के बेस में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 9 को भी 3 के बेस में खींच लूंगा। 9 क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर दिया हुआ है x, ठीक है। अब 81 को मैंने लिखा तो ये हो गया 3 का पावर 4, पीछे था डिवाइड, उसके पीछे 27 है, ये होता है 3 का पावर 3, उसके पीछे मल्टीप्लाई, उसके पीछे 3 का पावर 5। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, सो 3 का पावर हो गया 2x, और इधर मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 के पावर के बाद क्या आएगा, 5 प्लस 3 माइनस 4। इसको आपने सॉल्व किया तो बचा कितना, 4, सो 3 का पावर बच गया आपका कितना, 4 इज इक्वल टू, इधर बच गया था 3 का पावर कितना था, 2x। आप कहेंगे सर आ गया अपनी पटरी, पटरी पे आ गए ना अपन, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या होंगे इक्वेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4/2, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो x के आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2, आंसर आया 2 नंबर, ये देखिए आंसर है आपका क्या 2, दो नंबर अपना निकला, एक नंबर आंसर, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, चलिए इधर देखते हैं इसी तरह से। इधर क्या है भाई, इधर भी कुछ ऐसा ही है क्या, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 4 के बेस में पूछा है, 1024 4 के बेस में आ सकता है क्या? हाँ 4 के बेस में 1024 तो आता है सर, लेकिन 128 आता है। देखो आप याद करोगे ना, ये सारे जो पावर गेम मैंने आपको दिया है, आप ये याद करेंगे तो आपको ये नंबर्स दिखने लगेंगे, ठीक है। हाँ तो आपने देखा 4 के बेस में पूछा है तो 4 का पावर कितना था x, पीछे आएंगे तो दिया था 1024, उसके पीछे था डिवाइड बाय, उसके पीछे था 128, उसके पीछे मल्टीप्लाई है, और उसके पीछे है 512। अब देखिए तो ये सबका सब 4 के बेस में कन्वर्टेबल है क्या? 4 के बेस में सिर्फ सर यही कन्वर्ट हो सकता है, यही है 4 का पावर 5, बाकी ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे हैं 4 के बेस में कन्वर्ट, है ना। तो क्या करेंगे, तो 4 से एक नीचे जाएंगे तो वो हो जाएगा क्या 2, 2 का स्क्वायर, इसका पावर था x। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2x। इधर आते हैं तो इसको आपने 2 के बेस में सेव कर लिया है ना, तो इसको भी 2 के बेस में करना पड़ेगा। तो ये भी अब जब 4 के बेस में आया तो 2 के बेस में तो आएगा ही, है ना। हाँ ये होता है 4 का पावर 5, और 2 के बेस में आप याद किए होंगे तो ये आएगा 2 का पावर 10, तो इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 का पावर 10। 128 क्या होता है, 128 होता है 2 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 512 क्या है, 512 होता है 2 का पावर 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये आ गया 2, इसके ऊपर हो गया 9 प्लस, मल्टीप्लाई की जाएगी प्लस माइनस 10। देखिए कितना हो गया, 9 7 16, 16 में से 10 गया तो बचा कितना, कहेंगे सर 6 बचा, 2 का पावर बच गया 6, और इधर क्या था आपका 2 का पावर 2x। ये देखो दोनों के दोनों बेस सेम हैं, अगर बेस सेम हैं तो क्या होने वाला है, आप कहेंगे सर पावर इक्वेट होने वाले हैं, सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, इसका मतलब 3, तो x का जवाब कितना आ गया, आप कहेंगे सर ये तो 3 आ गया, ये आ गया 3 आपका सही जवाब। डन, चलिए तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, और आई बिलीव कि आज का सेशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा। देखिए अभी जो हम क्लासिफिकेशन में आपको टाइप वाइज टॉपिक वाइज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं,
ये आपको ये सारे टॉपिक्स एक बार कंप्लीट होने के बाद एक क्लास मिसलिनियस भी होगी। मिसलिनियस मतलब मिक्स होगी, जैसे आपने देखा कि पहले दिन हमने आपको बॉडमास पढ़ाया, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, फिर अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया, आज सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाया है, इसके बाद फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद परसेंटेज न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक्स जो टाइप्स हैं ये आपको सारे पढ़ाने के बाद, ये पांचों कंप्लीट होने के बाद आपको एक मिसलेनियस और मिक्स क्वेश्चंस लेंगे हम, वो आपकी प्रैक्टिस की क्लास होगी सीधे, उसमें सब कुछ मिक्स होगा जैसा कि एग्जाम में होता है। एग्जाम में भी सब कुछ मिक्स आता है, ये ऐसा एक एक टाइप नहीं आता है, क्लियर है? तो ये सब कुछ आपका मिक्स होने वाला है, तो वो हम लेंगे ये पांचों टाइप कंप्लीट होने के बाद। अब इसके बाद दो टॉपिक बचे हैं, एक है फ्रैक्शन और उसके बाद है आपका परसेंटेज न्यूमेरिकल। डन, चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सो आई होप सबको समझ में आया होगा, चीजें काफी हद तक क्लियर हुई होंगी, और जो बच गई है वो हम आने वाली क्लासेस में क्लियर कर लेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।